हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट. इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर 7 ब्लैक ब्यूटी सेव्स हिज मास्टर इन प्रैक्टिस बुक. सो लेट्स सी इन योर प्रैक्टिस बुक पेज नंबर 1. माय टर्न. फर्स्ट फोनिक्स, यानी फोनिक्स मीन्स होते हैं ध्वनि. ब्लेंड टी डब्ल्यू, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण. इसमें हम टी डब्ल्यू ब्लेंड को रीड करेंगे. द लेटर टी एंड डब्ल्यू जॉइन टू मेक अ न्यू साउंड टी डब्ल्यू एज इन ट्विंस. यानी जब टी और डब्ल्यू को एक साथ जोड़ते हैं तो उसमें एक नई साउंड निकलती है, जैसे कि इस वर्ड में ट्विंस दिया हुआ है. माय टर्न. फर्स्ट सर्कल द टी डब्ल्यू वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो. यानी नीचे जो भी वर्ड सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें आपको टी डब्ल्यू वर्ड को सर्कल करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. उदाहरण आपके लिए एक दिया गया है. कम ऑन ब्यूटी ही रिपीटेड ट्वाइस. तो इसमें टी डब्ल्यू वर्ड है ट्वाइस, तो इसमें टी डब्ल्यू लेटर को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट द ओल्ड मैन ट्विक्ड हिज मॉस्टेज. तो इसमें टी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ट्विक्ड, तो इसमें हम टी डब्ल्यू ब्लेंड को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट दिया हुआ है द डियर स्टेप्ड ऑन अ ट्विग, तो इसमें टी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ट्विग, तो इसमें हम टी डब्ल्यू ब्लेंड को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है डी नंबर सी टाइड द प्रेजेंट विद अ पीस ऑफ ट्वाइन. इसमें टी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ट्वाइन, तो इसमें हम टी डब्ल्यू ब्लेंड को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट मिस्टर गोर्डन वोर अ ट्वीट कोट. इसमें टी डब्ल्यू ब्लेंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ट्वीट, तो इसमें हम टी डब्ल्यू ब्लेंड को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस एफ आई बॉट 12 एप्पल्स. तो इसमें टी डब्ल्यू ब्लेंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है 12, तो इसमें हम टी डब्ल्यू ब्लेंड को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. इसमें टी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स है ट्विंकल ट्विंकल, तो इसमें दोनों वर्ड को हम टी डब्ल्यू ब्लेंड को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस टू वर्ड्स ट्वीटेड फ्रॉम हाई एवब. इसमें टी डब्ल्यू ब्लेंड से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड हैं टू एंड ट्वीटेड, तो दोनों वर्ड में हम टी डब्ल्यू ब्लेंड को सर्कल करेंगे. नाउ आई विल एक्सप्लेन माई टर्न टू हेल्प द ट्वीटिंग वर्ड. यानी जो ट्वीटिंग वर्ड पिक्चर में है उसकी आपको सहायता करना है. ट्वीट वर्ड दैट स्टार्ट विद टी डब्ल्यू, जो वर्ड टी डब्ल्यू ब्लेंड से स्टार्ट हो उनको आपको यहाँ लिखना है. राइट एटलीस्ट 8 वर्ड दैट स्टार्ट विद टी डब्ल्यू इन द ब्लर. यानी यहाँ पर आपको एटलीस्ट 8 वर्ड लिखना है जो टी डब्ल्यू से स्टार्ट हो. तो सबसे पहले ट्वाइस, ट्विंकल, ट्विटर, ट्विग, ट्विक, ट्वाइन, ट्वीट, 12. नाउ वी रीड वर्ड बाबर. अब हम वर्ड बाबर को एक्सप्लेन करेंगे. वर्ड्स विथ सेम मीनिंग्स, यानी कुछ वर्ड्स डिफरेंट वर्ड हैव अ सेम मीनिंग. अलग अलग वर्ड जिनका मीनिंग सेम होता है उन्हें हम सिनोनिम्स भी कहते हैं. जैसे हैप्पी, हैप्पी मीन्स भी खुश होता, और ग्लैड, ग्लैड मीन्स भी खुश होता. वर्ड डिफरेंट है लेकिन उनका मीनिंग सेम है. सम वर्ड्स मे हैव द सेम मीनिंग. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है. सच एज सैड एंड अनहैप्पी. जैसे सैड, सैड मीन्स दुखी, अनहैप्पी मीन्स भी दुखी होता है. वी कैन एक्सचेंज दैम इन अ सेंटेंस. हम इन वर्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं. यानी सैड की जगह हम अनहैप्पी लिख सकते हैं और अनहैप्पी की जगह हम सैड लिख सकते हैं. आई एम अनहैप्पी दैट इट इज़ रेनिंग टूडे. मैं दुखी हूँ क्योंकि आज बारिश हो रही है. नेक्स्ट सेंटेंस आई एम सैड दैट इट इज़ रेनिंग टूडे. मैं दुखी हूँ कि आज बारिश हो रही है. दोनों का मीनिंग सेम है, वर्ड डिफरेंट है. तो जिनका सेम मीनिंग होता है उन्हें हम सिनोनिम्स भी कहते हैं. माई टर्न थ्री. राइट अनदर वर्ड विद द सेम मीनिंग इन ईच ओवल. यहाँ पर जितने भी ओवल दिए हुए हैं उसमें आपको उसका सिनोनिम्स लिखना है. हेल्प बॉक्स में दिया हुआ हाउस, गिफ्ट, स्टोर, इल, लुक, अफ्रेड, टैक्सी, ग्लैड, लास्ट वर्ड है रेस्ट. तो होम का सिनोनिम्स है हाउस, कैब का है टैक्सी, हैप्पी का ग्लैड, प्रेजेंट, गिफ्ट, सोप, स्टोर, सिक, इल, स्केयर्ड, अफ्रेड, रिलैक्स, रेस्ट, लुक,
सी लुक. नाउ वी रीड माई टर्न फोर. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन वर्ड को हमें रिप्लेस करना है विद द वर्ड ऑफ सेम मीनिंग, जिनका वर्ड डिफरेंट हो, मीनिंग सेम हो, फ्रॉम द गिव बॉक्स बिलो. जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है वहाँ से आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड को रिप्लेस करना है. फर्स्ट सेंटेंस दिया है गिव मी फूड, आई एम स्टार्विंग. तो इसमें अंडरलाइन वर्ड है स्टार्विंग. स्टार्विंग मीन्स होता है भूख और हंग्री मीन्स भी भूख होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे हंग्री. नेक्स्ट सेंटेंस इट इज़ कोल्ड डैश आउटसाइड. तो यहाँ पर हम कोल्ड पे अंडरलाइन है तो कोल्ड का सिनोनिम्स होता है फ्रीजिंग. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीजिंग. नेक्स्ट सेंटेंस नो स्पीकिंग डैश इज अलाउडेड इन द लाइब्रेरी. तो इसमें स्पीकिंग अंडरलाइन वर्ड है तो स्पीकिंग का सिनोनिम्स होता है टॉकिंग. स्पीकिंग मीन्स भी बोलना होता है, टॉकिंग मीन्स भी बोलना होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टॉकिंग. नेक्स्ट सी वॉज सैड. सैड अंडरलाइन वर्ड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनहैप्पी. सैड का सिनोनिम्स है अनहैप्पी. व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट. नेक्स्ट सेंटेंस द रेन सोक्ड डैश हिज क्लॉथ्स. तो यहाँ पर सोक्ड अंडरलाइन वर्ड है. सोक्ड का सिनोनिम्स होता है वेट. तो यहाँ पर हम वेट लिखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न. टर्न अंडरलाइन वर्ड है तो टर्न का सिनोनिम्स है चांस. एट द स्विंग. तो यहाँ पर हम चांस लिखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यू गेव मी अ फ्राइट. फ्राइट का सिनोनिम्स है स्केयर. तो यहाँ पर हम स्केयर लिखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस द रोड कर्व्स डैश टू द लेफ्ट. तो कर्व अंडरलाइन वर्ड है. कर्व की जगह हम लिखेंगे बेंड्स. बी ए एन डी एस बेंड्स. डियर स्टूडेंट इट इज़ इनफ फॉर टुडे. नाउ कंप्लीट योर टुडेज वर्क इन कोर्स बुक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.